दोस्त राधे राधे, प्रणाम। कुछ आप लोग आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज हमारे वहाँ का मौसम बहुत ही खराब है, आज फिर से बहुत कोहरा जम गया है। देख सकते हैं आप लोग कितना वहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है हमको। और यहाँ हमारे पापा ने पलका निकाला, मतलब हमारे वहाँ पलका कहते हैं, आप लोगों के वहाँ तो चारपाई कहते होंगे। तो यहाँ पे डालते हैं तो हम इसमें फोड़ लेटते हैं दोस्तों। तो इस जब यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो यहाँ पे मतलब सही से लगा नहीं पाते हैं, इसलिए उसको बाहर निकाल दें। और एक पड़ा है। और दोस्तों अभी देखते हैं दीदी क्या कर रही है। और दीदी तो हमारी साल जो है तो उसको ओढ़े हैं और धुल रहे हैं। यहाँ पर अभी चाय बना रही है। और यूनिंग के भी बर्तन ये सब रखे हैं तो उनको भी धुलना है अभी हमको, हमारे दीदी को। मम्मी तो पता नहीं कहीं चली गई, नानी के वहाँ गई होंगी, और तो कहीं जाते नहीं है हमारी मम्मी ज्यादातर। दोस्तों मम्मी तो हमारी दाल लेने गई थी, है ना मम्मी? मसूर की है। मसूर की दाल कितनी है? 250 ग्राम। तो अभी बनाने जा रहे हैं। हाँ। तो दाल बनाओ तो। देख सकते हैं दोस्तों अभी दीदी हमारे बर्तन धुल दे। और दाल चावल बनाने के लिए तो इसमें वही रखी हुई है। और दोस्तों कल हमारे पापा बम्बू फाड़े थे और कल तो रात हो गई थी तो इसीलिए हमारे पापा कल टटिया नहीं बना पाए थे। और दोस्तों आज तो बहुत ही कोहरा जमा है, बहुत ठंडी सी हवा चल रही है और आज बहुत ही ठंड है। तो आज हमारे पापा ठंडी में मतलब टटिया बना पाएंगे या नहीं, बात को देखेंगे बनाए। जो आज धूप खुल गई तो हमारी टटिया बन जाएंगी। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, कह रहे होंगे आप लोग कि ये तो कैमरा का है। दोस्तों आप लोगों को हमारे बता दें कि पहले जब हम उस वाले घर पर रहते थे, पुराने वाले घर पर, तो वहाँ पर तो सब ठीक ठाक था। और एक घर भी हमारे पापा ने पैसों से बनवाया था, एक पक्का। और दोस्तों गंगा मैया ने जब वहाँ पर काट लिया तो दोस्तों वहाँ हमारे पापा के पास कैमरा भी था। तो दोस्तों कैमरा अब नहीं है तो इसीलिए हमारे पापा ने ये मोबाइल इसमें लग जाए उसीलिए ये लगा दिया है। तो दोस्तों कीर्तन भजन करते हैं तो उनका भी एक चैनल है तो बनाते हैं इसमें लगा कर। और हमारे पास बनाने के लिए दूसरी स्टैंड है, एक टूटी फूटी स्टैंड है दोस्तों हमारे पास। तो आज हम आप लोगों को अपनी स्टैंड दिखाई दें कि हम किससे अपना ब्लॉग शूट करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, और ये टूटी है, ये इसको यहाँ पर पकड़ते हैं हम और उसके बाद में इसको लगा लेते हैं यहाँ पर, ऐसे बनाते हैं दोस्तों। एक टूटे फूटे है, पहले वाली है रखे थे तो हमारे पापा ने कहा इसमें बनाया करो तुम इसमें लगा कर। दोस्तों हमने भी टॉप पहन लिया और ये तो पहले से ही पहनी थी, अभी हमको ठंड लग रहा था इसलिए पहन लिया हमने, बहुत ही ठंड लग रहा था। हमारे सर बताया करते थे कि जो कानों में कुछ टोप लगा लो या मुखमल बांध लो तो कानों से ही हवा अंदर जाती तो बहुत ही ठंड लगने लगता है, और जिसको पहन लो तो नहीं ज़्यादा ठंड लगेगा। दोस्तों सच में वैसे ही बात है, अब हमको ज़्यादातर नहीं ठंड लग रहा है। तो इनको ठंड लग रहा था इसलिए यहाँ पर बैठी है, देख सकते हैं आप लोग।
थे, इनको ठंड नहीं लग रहा था अभी। हम आए तो देखे दोस्तों कैसे बैठ गए, और फिर रजाई को ओढ़ रही है। हमारी दीदी तो बर्तन धुल चुके हैं, इसमें रख रही है, और अभी इसको भी धुलना है। और तो सब धुल गया, अब इसमें रख दी। ये सब फूल होने वाला है। हमारी दीदी तो अभी बर्तन धुल चुके हैं, अब दीदी क्या करने जा रही है? अब झाड़ू धुलने। अच्छा, मिट्टी लगी हुई है, धुल रही है इसको। देख सकते आप लोग, अभी घर में झाड़ू लगाना है क्या? नहीं, लगाने वाला होगा तो लगा दूंगी। झाड़ू को धुलना चाहिए क्योंकि वो गंदा हो जाता है, तो इसको नीचे तो। और मम्मी तो वहाँ पर हमारी कढ़ाई मांझ मतलब धुल रही है। हमारे वहाँ मांझने को बोलते हैं, इनको बोलते हैं। मम्मी तो कढ़ाई धुल रही थी, अभी आ गई है। देख सकते आप लोग, मिट्टी से धुल रही है, मिट्टी से साफ हो जाती है। दोस्तों देख सकते आप लोग, वहाँ पर गई थी रोड के पास में, वहाँ पर धुलने गई थी हमारी मम्मी, तो अभी आए हैं धुलकर। हमारे वहाँ जब कढ़ाई धुलते हैं तो उसको बर्तन जहाँ रखे जाते हैं वहाँ पर नहीं रखते हैं हमारे वहाँ दोस्तों, यहाँ कहीं टांग देते हैं, ये तो कहीं रख देते हैं धूप में, और अभी धूप नहीं है तो इसलिए यहाँ पर रख दिए हैं। क्योंकि मतलब हमारे वहाँ कहते हैं मुरच्चा ना लगे दोस्तों, उसीलिए। तो अभी हमारी दीदी खाना बनाने जा रही है दोस्तों, इसको अदहन बोलते हैं हमारे वहाँ। दाल और दीदी आज हमारे वहाँ क्या क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ दाल चावल, मसूर की दाल और ये चावल। इसमें क्या है? ये तो इसमें दाल गबड़ी है। हाँ। कहीं गबड़ गई होगी, इतने ही दाल छोड़ के। तो इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आप लोग जो हमारे चैनल पर अभी नए हो तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। क्योंकि दोस्तों ये हमारा चैनल अभी नया है, और मिलेंगे इससे धासु ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।